ये दुख ये दर्द जो भी है तुम्हारे अंदर है, ये दुख ये दर्द जो भी है तुम्हारे अंदर है, इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू ही एक सिकंदर है। जय हिंद। तो आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया है, ठीक है, क्लास 12 का इंग्लिश का पूरा सिलेबस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी स्टूडेंट होंगे जिनको पूरा अभी सिलेबस ही मालूम नहीं होगा, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है ना, ये तो सबको मालूम है कि हमारा जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसमें दो पार्ट में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, एक आपका सब्जेक्टिव एंड अनदर इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, एक आपका क्या सब्जेक्टिव, ठीक है, और दूसरा आपका क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस वीडियो में मैं ये पूरा का पूरा पोल खोल कर रख दूंगा कि बिहार बोर्ड क्या क्या आपसे चीजें, कौन कौन टॉपिक भी पूछता है, और कौन कौन मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, जैसे सब्जेक्टिव भी होगा तो इसमें भी दो टाइप का पूछा जाता है, एक आपका कंपल्सरी रहता है, एक आपका ऑप्शनल रहता है, तो वो भी हम बताएंगे कि कितने मार्क्स का क्या पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अभी भी ऑब्जेक्टिव हमारा 100 मार्क्स का पूछा जाता है, एंड यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू मेक 50 out of 100, आपको 100 में कितना बनाना रहता है, 50 बनाना रहता है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव आपका बुक, सुनिएगा ध्यान से, आपका बुक प्लस ग्रामर, आपका बुक प्लस ग्रामर, ठीक है ना, ये दोनों से पूछा जाता है, ठीक है। ग्रामर से आपका ये भी हम बता देते हैं ज्यादा वेटेज रहता है, 60 क्वेश्चन रहता है, जबकि बुक से आपका 40 क्वेश्चन रहता है। हम 100 का बात कर रहे हैं, बाय द वे अगर मान लीजिए 60 भी पूछ दिया तो 37 to 38 आपका ग्रामर रहता है, और मान लीजिए 23 to 22 ये आपका क्या रहता है, बुक से पूछा जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो सब्जेक्टिव ही दो टाइप से पूछा जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव आपका दो टाइप से, एक हम आपको बता ही दिए, ऑप्शनल होता है, एक आपका क्या होता है जी ऑप्शनल, और एक आपका क्या होता है कंपल्सरी होता है, एक आपका क्या होता है जी कंपल्सरी होता है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी। और इस क्लास के बाद मैं आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। पहले का भी वीडियो है बट आज से, ठीक है ना, आपके लिए एक नया, ठीक है, पहले का भी वीडियो स्टडी विद डेडिकेशन चैनल पर है, आप देख सकते हैं, लेकिन आज से पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ मैं आपके लिए ये बनाने वाला हूं, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है कि पूरा का पूरा वीडियो देखना है, ठीक। चलिए, तो ये आपका एक ऑप्शनल है और एक कंपल्सरी है। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो फिर से समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब वही एक आपका बुक से पूछा जाता है, दूसरा ग्रामर का पार्ट रहता है। सब्जेक्टिव तो आप जानते ही हैं, ये बुक से रहता है, और जो ग्रामर से मान लीजिए रहता है वो आपका एसे लेटर वगैरह जो रहता है, ठीक है। तो आइए, ठीक है, समझते हैं कि 100 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर बात किया जाए पूरा टॉपिक का, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जो कंपल्सरी होता है, क्या देखने वाले हैं हम लोग जी, कंपल्सरी, कि कंपल्सरी में कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका कंपल्सरी में माय डियर स्टूडेंट, वो आपका है एसे, ठीक है, वो आपका क्या है जी एसे है। एसे जो होता है डियर, वो 8 मार्क्स का पूछा जाता है, आप भी जानते होंगे। और अब आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन बैंक से पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है, उससे आपके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। 8 मार्क्स। अब ऐसे जो आता है वो कैसे आता है, मान लीजिए आपके ऑप्शन में 6 देगा, जैसे पॉल्यूशन दे दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम दे दिया, सोशल मीडिया दे दिया, कंप्यूटर न्यूज, 6, एंड यू हैव टू राइट ओनली 1, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना है, और वही
वन आपको दिलाएगा 8 मार्क्स। ठीक है, अब हम एक एक टॉपिक पर भी बात करेंगे कि एसे को कैसे लिखे, कौन कौन से स्टेप आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, दूसरा यदि बात किया जाए, ठीक है, कंपल्सरी में आपका बात किया जाए तो वो होता है लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टूडेंट को टफ लगता है, बट हमने आपके लिए पहले भी बताया और भी नए नए तरीके से हम बताएंगे कैसे लाइन एक्सप्लेनेशन को इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लाइन एक्सप्लेनेशन आपका प्रोज और पोएट्री, ठीक है, प्रोज और पोएट्री दोनों से पूछा जाता है। आपका प्रोज से सुनिएगा ध्यान से, प्रोज से क्या पूछा जाएगा, 3 और आपको लिखना कितना है जी, 1 पूछेगा, 3 इस मतलब अब तो 4 कर दिया है, पहले 3 पूछता था, अब तो 4 कर दिया है और आपको लिखना है 1, कितने मार्क्स का, 4। और पोएट्री से भी वही बात है, आपको लिखना है 1, ये भी कितने मार्क्स का, 4, यानी 4 और 4 कितना हो गया, यहां से भी 4 एंड 4, यहां से भी आपका कितने मार्क्स हो गया, 8 मार्क्स। ठीक है ना, यहां से 8 और यहां से 8, यानी प्रोज और पोएट्री से आपका क्या आएगा जी, लाइन एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, जो थर्ड चीज है आपके लिए हम बता दें, वो आपको या तो लेटर दिया जाता है, ठीक है, इनफॉर्मल जो रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो होता है आप जानते होंगे, और एप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों में से आपको क्या करना रहता है, एक लिखना रहता है, या तो आप लेटर, ठीक है, या तो आपका एप्लीकेशन, लेकिन जरूरी है दोनों में से एक लिखना आपका क्या है, जरूरी है, और ये दिलाएगा आपको 5 मार्क्स। ठीक है, ये दिलाएगा आपको 5 मार्क्स। कितना इजी है, लग रहा है कितना इजी है, ये 8 मार्क्स लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपका लेटर एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर एप्लीकेशन में आपको कोई एक लिखना रहता है, ठीक है, बहुत ही इजी वे से लिखा जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कंपल्सरी। और कंपल्सरी में क्या है आप लोग का, तो अगला कंपल्सरी में आपका आ जाता है क्वेश्चन आंसर्स। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स जो आपका आता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कितना आता है जी, देता है आपका 10, ठीक है, और उसमें से आपको लिखना है कितना, 5, लेकिन लिखना है, देगा 10, आपको लिखना है 5, और 5 मान लीजिए 2-2 मार्क्स का होता है, तो यहां से आपका क्या आ गया, 10 नंबर, यहां से कितना आ गया आपका, 10 नंबर, यानी 8 ये हुआ, ठीक है, ए से 8 लाइन एक्सप्लेनेशन, 16, ठीक है, याद रखिएगा 8 8 16 और 5 21 और 10 31 मार्क्स हुआ। ठीक है, अच्छा, अब आपका 4 नंबर का यदि बात किया जाए, ठीक है, तो 4 मार्क्स का आपका पूछा जाता है पैसेज, पैसेज, ठीक है ना, पैसेज आपका कितने मार्क्स का आएगा, 4, ठीक है, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, समझ रहे ना, यानी अगर बात किया जाए तो पूरा का पूरा टोटल मार्क्स कितना हो गया जी, 35, 8 ए से, ठीक है, 8 लाइन एक्सप्लेनेशन हम ऐड भी कर देते हैं, 10 आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, 5 आपका लेटर एप्लीकेशन और 4 आपका क्या हो गया, मतलब पैसेज। ठीक है, पैसेज भी आपके लिए देता है, और आपके लिए और एक चीज हम बता देते हैं, या तो आपको पैसेज बनाना रहता है या आपके लिए प्रेसिस दिया जाता है, प्रेसिस, ठीक है, प्रेसिस क्या होता है कि किसी बड़े स्टोरी को पढ़कर उसको छोटा करना है, संक्षेप में कर रहता है और उसका आपका टाइटल देना रहता है, ये भी इजी है, इसका भी हम प्रैक्टिस करा देंगे। तो ये कितना हो गया बाबू लोग, 35 मार्क्स, जो आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज को हमने बताया है। ठीक है, देखिए, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उसके बारे में सीखना होगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी,
अगला यदि बात किया जाए ठीक है ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल में आपके 6 क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ना। आपके लिए क्या दिया जाएगा 6 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ठीक है। 6 दिया रहता है ये 5 मार्क्स वाला, और आपको लिखना रहता है 3, यहां से आपका कितना आ गया 15 मार्क्स, यानी 35 और 15 कितना हो गया जी 50 मार्क्स, यहां से आपका सब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब 6 में क्या दिया जाता है, सबसे पहला अगर बात करें हम तो सबसे पहला समरी, मान लीजिए समरी एक नंबर में समरी देगा ठीक है, एक तो आपका समरी देगा प्रोज का ठीक, ये कितने मार्क्स का आता है जी 5 मार्क्स ठीक है। दूसरा आपका समरी क्या देगा पोएट्री का, बताते हैं अच्छे से ध्यान सुनिए, ये भी समरी आपका आएगा बट यहां पोएट्री का आएगा ठीक है ना, पोएट्री का ये भी आपका 5 मार्क्स ठीक, अच्छे से देखिएगा। अगर हम थर्ड का बात करें, थर्ड का तो थर्ड एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से देता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन देगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ये भी कितने मार्क्स तो 5 मार्क्स ठीक है। अच्छा चौथा यदि बात किया जाए तो चौथा देगा आपको ठीक है, मतलब प्रोज से क्या मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है ना, मतलब राइटर का नाम और चैप्टर का नाम ठीक है, राइटर का नाम और चैप्टर का नाम, ये प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री दोनों से रहता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 5 मार्क्स और ये भी आपका डियर 5 मार्क्स। और छठा क्या होता है यानी चौथा और पांचवा हम यहां लिख सकते हैं, और छठा जो कंपल्सरी में आपका होता है वो होता है ट्रांसलेशन, क्या होता है जी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन 8 दिया जाता है ठीक है, 9 दिया जाता है और आपको 5 बनाना रहता है, तो ये भी कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का। अब आप देख सकते हो कि ये 6 क्वेश्चन और सभी का सभी 5-5 नंबर का है, बट आपको बनाना कितना है 3, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है जो मान लीजिए पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर भी होता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पढ़ने में कमजोर भी होता है वो क्या करता है सुन लीजिए, सबसे पहले यहां मैच ऑफ द फॉलोइंग कर देगा, 2, 5 एंड 5, 10 मार्क्स एकदम कंप्लीट, और एक समरी लिख देता है, समरी तो भाई सबको याद ही रहता है हमेशा 1, 2, 3 चैप्टर से पूछा जाता है, ये कंफर्म कर लीजिए, या तो ट्रांसलेशन भी बना लेता है, और ट्रांसलेशन आपको हम बनवाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर का है, इतना इजी यू कांट बिलीव दैट कि इतना इजी पूछा जाता है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि इंटरमीडिएट में इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ना। तो ये आपका सब्जेक्टिव का एक तरह से पूरा का पूरा क्या रहा सिलेबस रहा ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या रहा सिलेबस रहा। सबसे बड़ा डर देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर में होता है, बट आपको हम डेली 5 क्वेश्चन कराएंगे ठीक है, डेली का डेली 5 क्वेश्चन, और उसी में से आएगा ए से, या आपका और थोड़ा सा जो डर बना रहता है कि सर लाइन एक्सप्लेनेशन, तो लाइन एक्सप्लेनेशन का ऐसा ट्रिक बताएंगे, बताया हुआ भी है बट फिर से हम बताएंगे कि आपको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो हमारा हो गया, तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो सबसे पहले तो आपको हम बता ही दिए कि आपका बुक एंड ग्रामर दोनों से है, ऑब्जेक्टिव आपका, ऑब्जेक्टिव का यदि बात किया जाए तो आपका बुक से भी है, बुक एंड ग्रामर दोनों से है, बुक से भी है और ग्रामर से भी है ठीक है ना। और बुक में एक और बुक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसे राइटर वगैरह का नाम पूछा जाता है, टेंशन आपको नहीं लेना है। ग्रामर का जो टॉपिक है ठीक है, ग्रामर का जो टॉपिक है थोड़ा सा देख लीजिए, हम बता देते हैं ऐसे ही नाउन प्रोनाउन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ठीक है, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से, मतलब नाउन से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी देता है सीजर्स वगैरह इस टाइप का क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पूछता है, नाउन प्रोनाउन ठीक है, एडजेक्टिव
एडवर्ब से क्वेश्चन न के बराबर रहता है, लेकिन हम पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है, कंजंक्शन प्रीपोजिशन, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दिया जाए तो आपका टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस हो गया, बहुत बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आपका वॉयस हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है ना, वॉयस हो गया आपका, नरेशन हो गया। अच्छा जी, नरेशन के बाद आपका अगर बात किया जाए तो मिस स्पेल्ड पूछा जाता है, इसको एकदम इग्नोर नहीं करना है। मिस स्पेल्ड जो गलती देगा आपको, मान लीजिए चार ऑप्शन, तीन गलत रहता है, एक सही रहता है, सही को चुनना रहता है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया करेक्ट सेंटेंस, मतलब चार सेंटेंस दिया रहता है और उसमें से एक आपका क्या रहता है जी, सही रहता है, ठीक है। और टॉपिक का यदि बात किया जाए तो कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपका और रहता है आर्टिकल से, ठीक। अगर वो कैब से बात किया जाए तो एंटो रहता है, साइनो रहता है, बहुत इजी रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एंटो रहता है, साइनो रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, वन वर्ड, ठीक है ना, एडियम्स एंड फ्रेज। अब ये मत समझिए कि सर इतना टॉपिक एकदम इजी है, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर का टॉपिक है। और बुक का अगर बात किया जाए तो बुक आपका प्रोज 11 चैप्टर, पोएट्री, ठीक है, आपका पोएट्री है 10 चैप्टर, ठीक है। ये पूरा का पूरा से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बता ही दिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जैसे ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ये सब का पीरियड पूछा जाता है, बुक्स वगैरह का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब हम ये ग्रामर में और भी टॉपिक्स है, जैसे मान लीजिए बोल दिए नाउन प्रोनाउन जितना भी आपका आता है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा, अगर और बात किया जाए ऑब्जेक्टिव का, तो हमारा ऑब्जेक्टिव और आपको बेहतर कैसे होगा, ठीक है, और बेहतर कैसे होगा, तो 1500 का हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसको यदि आप बना लेते हो तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन, ये सब चीजें आसान हो जाएगा समझना कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे तो पहले हम कल से एक ग्रामर का टॉपिक जो है आपका नाउन प्रोनाउन जितना भी है जो आपके लेवल का पूछा जाता है, कल से हम एक एक दो दो वीडियो आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और लाइव क्लासेस का यदि बात किया जाए तो लाइव क्लासेस चलेगा आपका हिंदी भी प्लस इंग्लिश भी, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश ऐप पर चलेगा, ठीक है। दो या तीन दिन में ऐप भी आपका आ जाएगा, उसी पर चलेगा, पहले आज से ही रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कि हाँ सर हम पहले से जानते थे या इस वीडियो में कुछ ज्यादा समझे, ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा। चलिए।